फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो का लॉन्च लेके आई हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर वैसलीन का ग्लो हाई, आई थिंक मैं सही प्रोनाउन कर रही हूँ, ग्लोटो हायन का रेडियंट सीरम इन लोशन है ये मेरे पास। तो ये वैसलीन ने नया लोशन जो है लॉन्च किया है। आई डोंट नो इसको हम लोशन बोलेंगे या फिर क्या कहते हैं, सीरम बोलेंगे, मुझे पता नहीं है, बट इसमें लोशन भी है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये लोशन ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो गाइस सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ट्यूब पैकेजिंग में है। मोस्टली जो लोशन होते हैं वो सब पंप पैकेजिंग में आते हैं, पंप में या फिर ऐसे इस टाइप की खड़ी होती है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, जो ऐसे ऊपर से ओपन करते हैं और फिर हम ऐसे लोशन निकालते हैं, पर ये ट्यूब पैकेजिंग में है लोशन। पैकेजिंग के हिसाब से गाइस, जो इसकी पैकेजिंग है मुझे अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि जो वैसे पंप पैकेजिंग होती है या इस टाइप से जो भी होती है, जो पैकेजिंग होती है वो बेस्ट होती है। उसको आराम से ऐसे दबाओ और हमारा प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, इसको उठा के और रखना। और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ट्यूब है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी सारी ट्यूब है, तो इसको ऐसे रखने में अगर हम कुछ भी थोड़ा सा ऐसे कुछ रखते हैं तो ये नीचे गिर जाता है। ऐसे हम रखते हैं तो कुछ भी भिड़ा तो ये ऐसे मतलब नीचे गिर जाता है, स्टेबल नहीं रहता है ये, तो इसका एक माइनस पॉइंट मुझे ये लगता है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर वैसलीन हेल्थी ब्राइट, वैसलीन की साइड से है हेल्थी ब्राइट, जो आपको ब्राइटनेस देगा वो हेल्थी देगा, ठीक है। ग्लोटो हाया है इसका नाम और सीरम एंड लोशन है यहाँ पर ये क्लेम किया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया, सीरम भी है और लोशन भी है, तो क्या तो सीरम हो क्या लोशन ही हो क्या, मतलब हम बॉडी और फेस की जो स्किन है वो उनमें डिफरेंट होता है गाइज। जो हमारी बॉडी की स्किन है और जो हमारी जो चेहरे की स्किन होती है, फेस की स्किन होती है, उसमें डिफरेंट होता है, तो प्रोडक्ट में भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये भी मुझे इसका अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्लोटो ग्लो हाइड्रोनिक और नियासिनामाइड इसके अंदर है, और इसके अंदर ये जो सीरम भी डाला गया है जो 10 गुना इफेक्ट डालता है आपकी स्किन पर, और इसमें विटामिन सी भी है और वो भी प्लस में यहाँ पर मेंशन किया गया है, विटामिन सी भी है और नॉन स्टिकी है। और जो प्रोडक्ट क्वांटिटी हमें मिल रही है 200 हमें प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल रही है, सॉरी फॉर नॉइस गाइज। और यहाँ पर इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट और जो इसके बारे में बताया गया है वो सब यहाँ पर दिया गया है। और जो इसकी जो पैकिंग है, जो कि ये किसी भी बॉक्स में नहीं आया, ये इसी टाइप की ही उसमें आया था, और यहाँ पर प्लास्टिक की वो लगी हुई थी, पॉलीथीन सी, जो जिसे हमें मतलब निकाल के और फिर इस प्रोडक्ट को हम निकालेंगे। तो जो मैं बताती हूँ, इसका 300 रुपीज़ है, ठीक है, इसका जो प्राइस है 300 रुपीज़ है, और आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है, जो इसकी एक्सपायरिंग डेट है 2023 से 2025 तक ये चलेगा। ऊपर इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट वगैरह जो है लिखी हुई है, और इसमें विटामिन सी भी है और अच्छे मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट इसमें डाले हुए हैं, और ये जो प्रोडक्ट है जेल बेस में है। तो इसका मैं इसको ओपन करती हूँ, तो ओपन करने की तो गाइस, जो मैं अपने हिसाब से कहूँ तो इसकी जो लॉकिंग पावर है वो भी इतनी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत आराम से ये खुल रही है, ये देखिए, मतलब एक प्रोडक्ट होता है जो मतलब उसको ओपन करते हैं और वो तक की एक आवाज़ आती है, वो भी नहीं हो रही है इसमें। तो इसकी जो पैकेजिंग है मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। हम इसके लिए 300, एक मॉइस्चराइजर के लिए 300 पे कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे जो इसकी जो पैकेजिंग क्वालिटी है, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम अपने प्रोडक्ट को देखते हैं। तो ये गाइस, तो ये इस टाइप का हमारे पास ये इसका प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी लिक्विडी प्रोडक्ट नहीं है, जेल फॉर्मूला में है, जो मतलब हल्के हल्के थिकनेस है इसमें, मतलब क्रीम का थोड़ा सा बेस है इसके अंदर, ठीक है, पर बिल्कुल ही लाइट वेट फॉर्मूला है। और इसके अंदर जो इसकी खुशबू आ रही है वो तो बहुत ही अच्छी आ रही है, पर ये जो खुशबू है आपकी 5 से 6 मिनट तक रहेगी। आई थिंक आप इस प्रोडक्ट को
लगाओगे इतने ही रहेगी। मैं आपको प्रोडक्ट लगा के दिखाती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है हमारा प्रोडक्ट, तो मैं अपने हाथों में लगा लेती हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल ही थोड़ी सी ही देर में, ये देखिए थोड़ी सी ही देर में जो प्रोडक्ट है हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो गया है बिल्कुल से, और स्क्रैच टेस्ट भी करूँ तो कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा है हमारी स्किन में तो बिल्कुल भी। मतलब गर्मियों में हमें वैसे तो मॉइस्चराइज लगाने की इच्छा होती ही नहीं है, ठीक है, अगर मॉइस्चराइजर हम लगा लें तो वो चिप 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 करने लगता है, तो इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा है मैंने पूरे हाथों पे अपने पे लगाया है, पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। स्क्रैच टेस्ट हम कर रहे हैं तो ठीक है, ये देखिए तो ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल ही लाइट वेट सा है, फॉर्मूला काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन जो ये इन्होंने इतना सारा हमें क्लेम किया है कि हम ये मतलब फोटो ग्लो है, हाइड्रोनिकेनियासियामाइड है, विटामिन सी है, ये जो इतने सारे इन्होंने, और इसके अंदर सीरम भी है, ये जो सारे इन्होंने क्लेम किए हैं, आई थिंक मुझे ये मतलब लगता नहीं है कि ये क्लेम जो है बैठते हैं, ये सिर्फ आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और कुछ नहीं। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूँ हमारे फेस की और हमारे बॉडी की स्किन में फ़र्क होता है, तो आप इसको लगाने से पहले थोड़ा सा सोचना कि आप इसको अपने फेस पर भी यूज करेंगे या अपने बॉडी पर यूज करेंगे। इसको पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैंने इसको अपने हाथों पर मतलब बॉडी पर ही यूज़ किया है, मैंने अपने इसके फेस पर यूज़ नहीं किया है। आई थिंक मैंने इसके ऑलमोस्ट सभी पॉइंट जो है वो मैंने इसके कवर कर दिए हैं। कि गाइस मैं इस प्रोडक्ट को जो है 5 में से 3 नंबर दूंगी। मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट से खुश नहीं हूँ, जो इन्होंने इतनी सारे क्लेम किए हैं वो बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आया। ऑलमोस्ट मुझे इसको 15 से 20 दिन हो गया है इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, लेकिन इसने मुझे मतलब कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है मतलब कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल जो मॉइस्चराइजर था वो अब्सॉर्ब हो गया, उसके बाद तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ लगाया भी था या नहीं लगाया। तो गाइज मेरे चैनल पर गिव अवे चल रहा है, तो आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है वो 500 सब्सक्राइबर का है, और उसमें हम जब हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम विनर अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।